तो हम लोग इंटीग्रेशन में 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक शायद हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया था। तो 7.2 एक्सरसाइज में जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे थे या जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो कर रहे थे। इट मीन्स किसी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर एक टर्म ऐसा होता है या एंगल ऐसा होता है जिसको टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके साथ जो इनटू में या अपॉन में जो फॉर्मेट होता है एक्स की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो बन जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला फॉर्मेट देखो, यदि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है तो दूसरा मेथड क्या है, यदि इसमें हम 2 का डिवाइड और 2 का इंटू करते हैं तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। हमने क्या किया, इसमें 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन का जो एंगल है वो ए ले लो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 ए होता है। तो इधर बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ए मींस ए एक्स प्लस बी डी। इधर पर 2 का अंदर इंटू करो तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 ए एक्स प्लस 2 बी ए। अब इसको तो इंटीग्रेट करना आता है, एक तो होता है साइन की फॉर्म में साइन एक्स का इंटीग्रेशन और दूसरा साइन की फॉर्म में साइन ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म। हमने इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग के लेक्चर में दोनों कंडीशन सीखे थे, क्या साइन की फॉर्म में साइन एक्स का इंटीग्रेशन और साइन का जब एंगल एक्स ना होकर ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट हो। ए एक्स प्लस बी वाला मतलब साइन का जो एंगल है उसमें एक एक्स वाला टर्म हो, एक कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट हो अदरवाइज नहीं हो चलेगा, बट ए एक्स वाला टर्म हो, ठीक है ना। अच्छा तो 1/2 बाहर रहेगा। यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या सीखा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इधर पर कॉस 2 ए एक्स प्लस 2 बी और जो एक्स का कॉफिशियंट है वो अपॉन में कर देते हैं प्लस का सी, तो क्या आ जाएगा माइनस 1/4 ए कॉस 2 ए एक्स प्लस 2 बी प्लस। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 का इंटू और 2 का डिवाइड किया था, ठीक है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते बोलते को, वो दूसरा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सॉल्व करते तो ध्यान दीजिए, आपको बताए यहां पर साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो हम दोनों में से किसी एक को टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां पर ले लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो साइन ए एक्स प्लस बी को जब टी सब्स्टिट्यूट किया तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू इसका इंटीग्रेशन ए और टी का डी टी बाई डी एक्स। फिर वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, डी एक्स की, तो क्या आएगा 1/ ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आप कॉस को भी टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो हमने इस पूरे को टी लिया था, इसका डिफ्रेंशिएट किया, यही बना ना डिफ्रेंशिएट करने, समझ में आ गया।
अब जब हमने इसको टी लिया, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये बना। आप लोग सोच रहे सर साथ में ए भी तो आया, कॉन्स्टेंट इंटू में डिवाइड में प्लस आया माइनस आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो एक्स की फॉर्म में जो दूसरा फंक्शन है वैसा ही बनना चाहिए, उसके साथ इंटू में कॉन्स्टेंट कुछ भी है, कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको ले लिया टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी टी इंटू टी। अब देखो जब कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो गए, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ ए जो अपॉन में बाहर आ जाएगा और टी। अब टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो टी का इंटीग्रेशन मतलब टी का पावर एन, तो वन बाई ए और टी स्क्वायर बाई टू, इधर आ जाएगा वन बाई टू ए और टी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस ए। समझ में आ गया? चलो आगे देखिए। आगे क्या है इसको इंटीग्रेट करने, ये तो आसान है, सिक्स वाला इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, ये तो आसान है। तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मेट ऐसा बना ए एक्स प्लस बी का होल पावर। तो यहां पर पावर वाला एक फॉर्मूला है, पावर यदि एक्स के ऊपर हो तो एक्स का पावर है, और यदि पावर ए एक्स प्लस बी के ऊपर है तो ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन के अकॉर्डिंग। तो ए एक्स प्लस बी का पावर होल पावर एन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ए एक्स प्लस बी यहां पर जो बेस है वो ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट, तो यहां पर ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है? पावर ए एक्स प्लस बी का होल पावर हाफ प्लस हाफ अपॉन हाफ प्लस वन, और एक्स का जो कॉफिशियंट है वो में प्लस का सी। तो कितना हो जाएगा? टू बाई थ्री और ए एक्स प्लस बी का होल पावर। समझ में आ गया ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, इसका सेवन में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, x इंटू रूट एक्स प्लस टू। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? थोड़ी तो दिमाग लगानी पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x और इसको लिखेंगे x प्लस टू का होल पावर हाफ डी एक्स। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए हमें x प्लस टू को t लेना पड़ेगा, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस टी टू को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट वन डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। जब आप इंटीग्रेशन 50% से ज्यादा पढ़ लोगे तो आपको अपने आप आइडिया लगने लगेगा कि हम किसको टी लेंगे, क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, तो अपने आप क्लिक करेगा। अभी स्टार्टिंग से लिए थोड़ी आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों कर दिया, आपको भी टी ले लिया, इसमें एक्स प्लस टू को टी लेने का क्या मतलब था, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करने पर कोई कंडीशन दूसरी है ही। बट जब आप क्वेश्चन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपने आप क्लिक करने लगेगा कि हाँ इसको टी लेने से हमारा जो पर्पज है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने का वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? तो अभी आप लोग 50% जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब चीजें आपको मजा आएगा पढ़ने में और आपको फास्ट क्लिक करेगा। तो अभी तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि हमें क्या टी लेना है, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो इधर पर अब देखो बाहर जो एक्स है उसका क्या करेंगे? तो एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस टू का होल पावर हाफ,
तो इसकी जगह जो टी लिख देंगे, बट इस एक्स का क्या करेंगे, तो इधर से एक्स की वैल्यू निकालो, तो इधर से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी माइनस, इधर कर दीजिए टी माइनस टू, और इंटू टी की जगह एक्स प्लस टू की जगह हाफ। अब ये हो जाएगा आसानी से, रीजन क्या है, टी का पावर हाफ का अंदर इंटू करो, तो टी का पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, माइनस टू टी का पावर हाफ, हो गया ना। देखो इसमें ये प्रॉब्लम होती है आपको, इसमें तो ऐसा कुछ क्लिक नहीं कर रहा कि हम क्या करें, यदि एक्स प्लस टू को हमने टी ले लिया तो टी की फॉर्म में जो फॉर्मेट बना उसको हम इंटीग्रेट कर सकते। फाइनली इंटीग्रेशन करने के लिए क्वेश्चन में जो भी जैसी भी कंडीशन अप्लाई हो रही है, जब पूरा इंटीग्रेशन सीख जाओगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी, और वो सारी चीजों में से कौन सी कंडीशन या वैलिड हो रही है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कर लीजिए, टी का पावर थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन, टी का पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, और माइनस टू बाहर आ जाएगा, और टी का पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी का पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन और प्लस सी, तो इधर आएगा टू अपॉन फाइव, और टी का पावर फाइव अपॉन टू माइनस, इधर टू पर पहुंचेगा तो इधर आ जाएगा, टू पर पहुंचेगा तो टू इंटू टू अपॉन थ्री, और टी का पावर थ्री बाई टू, आ जाएगा टू अपॉन फाइव। टी की जगह हमने क्या लिया था, एक्स प्लस टू, फाइव बाई टू माइनस फोर अपॉन थ्री, और जब एक्स प्लस टू का होल पावर थ्री बाई टू, ठीक है ना। ये फॉर्मेट ऐसा है कि इधर पर कोई लीनियर वाली कंडीशन हो ए एक्स प्लस बी, और रूट के अंदर पी एक्स प्लस क्यू, इस टाइप का, और यहां तो इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, आगे जब इंटीग्रेशन सीखते जाओगे तो जितने भी फॉर्मेट है वो भी आपको पता होता जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, यहां पर एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए वैसे हमारे अकॉर्डिंग, जब यहां क्वेश्चन है तो यहां पर ये फॉर्मेट उसे देना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो रूट के अंदर जो लीनियर था पी एक्स प्लस क्यू उसको टी लिया, इधर पर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और इधर पर लीनियर भी हो सकता, बट सेकंड वाले में ऑलवेज लीनियर ही रहेगा, ठीक है, ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में रूट के अंदर वाला जो लीनियर उसको टी लेकर हमें सॉल्व करना है। फिर हमने टी लिया था तो डिफ्रेंशिएट करने का डीएक्स वाई डीएक्स इक्वल टू डी टी आया था, तो उधर से एक्स की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते, तो ये फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, रूट के अंदर लीनियर, रूट के बाहर यहां पर लीनियर और क्वाड्रेटिक हो, तो रूट के अंदर वाले को टी लेकर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन लेके इसी टाइप का एक और कर लेते हैं सॉल्व, एक्सरसाइज में ना हो आप सॉल्व करना सीखना है तो लीजिए। हमने ले लिया इधर पर 2x प्लस 3 और दूसरा रूट के अंदर 5x प्लस 2 dx, तो देखो ये सेम वैसा ही है, रूट के अंदर लीनियर, रूट के बाहर लीनियर, तो रूट के अंदर वाले लीनियर को हमने टी ले लिया, 5x प्लस 2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो तो 5 एक्स का 1 और 2 का 0, इधर आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 5 डी टी, समझ में आ गया। अब इधर पुट कर दो तो 2, अब जो इधर एक्स है वो इधर से आता है, टी माइनस 2 अपॉन 5 और प्लस 3 और इंटू इधर ले लिया हमने रूट टी इंटू 1 बाई 5 डी टी। अब इसे सॉल्व कर लो तो इंटीग्रेशन ऑफ इधर आएगा ब्रैकेट में इधर पर 2 टी माइनस 4 प्लस 15 अपॉन 5 और इधर आ गया टी का पावर हाफ 1 बाई, समझ में आ गया। तो रूट के अंदर वाले को हमने टी लिया, उसका डिफ्रेंशिएट किया,
तो 5 इंटू 1 और dx की वैल्यू इधर पर dt by dx और dx की वैल्यू 1 by 5 dt, तो इधर dx की जगह 1 by 5 dt और इधर 5x plus 2 की जगह t और इधर से x की वैल्यू निकाल कर यहां पुट की, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसे हमने सॉल्व किया 5 LCM तो इधर 15, इधर 2 का अंदर इंटू किया तो a 5 अपॉन में तो 1 by 25 बाहर ले, और इंटीग्रेशन ऑफ इधर आएगा 2 टी और प्लस माइनस 4 और 15 प्लस कितना होगा 11 और टी का पावर हाफ। अब टी का पावर हाफ का अंदर इंटू कर दो तो 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस 11 इंटू टी का पावर हाफ। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। अब दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा तो इधर आएगा 1/25 और ब्रैकेट में 2 इंटू टी का पावर 5/2 होगा, इधर भी 5/2 होगा प्लस 11 इंटू टी का पावर 3/2 इधर भी 3/2 और प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर दो तो इधर आएगा 1/25, ये कितना हो जाएगा 4/5 और टी किसकी जगह लिया था 5x प्लस 2 की जगह 5/2 प्लस 22/3 और टी की जगह 5x प्लस 2 और 3 हो गया। तो इस तरीके से हमने 7.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। बस आपको सोचना है किसको टी लेना है जिसको आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।